अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। क्या हुआ जब एक 20 दिन की नवजात बच्ची की जान बचाई इच्छाधारी नागिन ने, और ये नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये घटना है हरियाणा के चंदोली गांव की। एक समय की बात है जब इस गांव में भ्रूण हत्या का दौर चल रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर घर में जन्म हो तो बेटे का ही हो, अगर बेटी पैदा हो गई तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी गांव के एक घर में नीलम नाम की एक महिला गर्भवती थी। उसके परिजन उस पर दबाव डाल रहे थे कि अगर पुत्र का जन्म हुआ तो ठीक, परंतु अगर पुत्री का जन्म हुआ तो हम इसे कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देंगे। अब ऐसे में नीलम बड़ी चिंता में थी। उसे मन में यही डर सता रहा था कि पुत्र का जन्म हो गया तो ठीक, परंतु अगर पुत्री ने जन्म ले लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या हैवानियत करेंगे। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और वही हुआ जिसका सभी को डर था। 9 महीने बाद नीलम ने एक पुत्री को जन्म दिया और ये खबर सुनते ही उसके सास ससुर गुस्से से लाल हो गए। बल्कि उन्हें तो बहुत खुश होना चाहिए था क्योंकि उनके घर साक्षात लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। खैर, अब वो होने वाला था जो मानवता को शर्मसार करके दिखा देगा। इसके बाद नीलम के पति और उसके सास ससुर ने उसे बड़े ताने मारे और उसकी बेटी को उससे अलग कर दिया। उन्होंने अगले 20 दिनों में यही योजना बनाई कि इस बच्ची को खत्म किस तरह से किया जाए। अंत में जब कुछ नहीं सूझा तो उसके पिता और उसके सास ससुर ने उस प्यारी सी 20 दिन की बच्ची को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया, और ऐसा करते हुए उनके हाथ भी नहीं कांपे। अब दोस्तों, उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। जब वो 20 दिन की नवजात बच्ची बहुत ज्यादा रो रही थी तो उसकी रोने की आवाज उस इच्छाधारी नागिन को सुनाई दी और वो तुरंत उसके पास चली गई। उस मासूम बच्ची की मासूमियत देखकर उस नागिन का मन भी करुणा से भर आया। उस इच्छाधारी नागिन ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया, अपनी गोद में उस मासूम बच्ची को लिया और अपने नाग के पास जाकर बोली कि ये प्यारी सी नवजात बच्ची मुझे जंगल के बीच तड़पती हुई मिली है, क्या हम इसका पालन पोषण कर सकते हैं? तब उसके नाग ने उससे कहा कि ये मनुष्यों की संतान है, हम इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, ये हम सभी से बहुत अलग है, पर इसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब उन दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन ने एक बहुत ही प्यारे दंपत्ति का रूप धारण करा और वो उस 20 दिन की नवजात बच्ची को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और ये FIR दर्ज कराई कि ये बच्ची उन्हें जंगल के बीचों बीच तड़पती हुई मिली है, कृपया करके आप इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें इसे सौंप दीजिए। अब पुलिस को उस बच्ची को सौंप कर वो दोनों वहां से चले गए और पुलिस ने भी अपना काम बखूबी किया। कुछ ही दिनों की जांच में वो नीलम के घर तक पहुंच गए और नीलम ने भी ये गवाही दे दी कि मेरे पति और मेरे सास ससुर ने मेरी 20 दिन की नवजात बच्ची को मुझसे जबरदस्ती अलग कर दिया और इसे जंगल के बीचों बीच छोड़ाए, जिसके बाद उन तीनों को जेल हो गई और इस मासूम सी प्यारी बच्ची को अपनी माँ पुनः मिल गई, और साथ ही में भला हो उस इच्छाधारी नागिन का जिसकी नीयत मनुष्यों से भी ज्यादा अच्छी थी, उसी की वजह से इस 20 दिन की नवजात बच्ची की जान बच पाई थी। दोस्तों, वास्तव में हमारे समाज में लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग बेटे की चाह में बेटियों की हत्या कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि अगर समाज में बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बेटे कहां से लाएंगे और पत्नियां कहां से लाएंगे, उनकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि बेटा भाग्य से होता है लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। भ्रूण हत्या के साथ ही इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव।